अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों ड्रामा सीरियल डर खुदा से कि आने वाले अक्सात में आप नाज़रीन देखेंगे कि जल्द ही तमकीन के सामने शावेज़ की नियत जाहिर हो जाती है कि वह किस फितरत का शख्स है। और शावेज़ खुद तमकीन से कहता है कि मुझे आफरीन चाहिए और उसे मेरे लिए तुम राज़ी करोगी। बड़ी खुददार है तुम्हारी बहन, मैंने उसे 50 लाख की ऑफर की थी लेकिन उसने ठुकरा दी कि आफरीन सदकी की इज्जत बिकाव नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि वह कब तक मुझसे बचती है। उसे हासिल करने के लिए तो मैंने उसे बदनाम भी कर दिया लेकिन वो टूट गई, मेरे सामने झुकना कबूल नहीं किया। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपना घर बचाना है तो उसे मेरे लिए राज़ी करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से भिजवा दूंगा। तमकीन रोती हुई घर आती है, आफरीन के गले लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मुझे उस धोखेबाज इंसान से बचाने की कोशिश करती रही और मैं तुम्हें ही अपना दुश्मन समझती रही, लेकिन मैं अब उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, मैं खुद उससे तलाक लेना चाहती हूँ। वो खबीस शख्स मुझे धमकी देकर मेरी बहन का सौदा करना चाहता है। तमकीन शावेज़ से कहती है कि मुझे तलाक दे दो लेकिन मैं अपनी बहन का इज्जत का सौदा नहीं करूँगी। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज़ आफरीन से सच्ची मोहब्बत कर बैठेगा, जिसके बाद वो तड़पेगा, उसकी मिन्नतें करेगा। शायद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया गुल के बेटे की शक्ल में, जो बाहर पढ़ने गया था वो वापस आए और शावेज़ से अपनी माँ का बदला ले ले, उसे पुलिस के हवाले करवाए। गुल पहले ही तमाम जायदाद अपने बेटे के नाम कर चुकी थी, ये बात शावेज़ के इल्म में नहीं थी, वो तो आराम से इस दौलत पर ऐश कर रहा था। शावेज़ का अंजाम आखिर सारी ज़िंदगी के लिए जेल में सड़ना है, जबकि दूसरी तरफ आफरीन की शादी हो सकता है गुल के बेटे से हो, जो वापस आकर आफरीन को इस अजाब से बाहर निकालें, जबकि दूसरी तरफ तमकीन की शादी उसी सब्जी वाले से हो जिसने अपना रिश्ता तमकीन के लिए बेचा था। तमकीन अपने घर में हंसी खुशी रहे और आफरीन भी, और बुरा करने वाला का अंजाम बुरा। तो दोस्तों आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं और इस ड्रामे के आखिर में शावेज़ का क्या अंजाम देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।